मैं KS गावंडे, गावंडे क्लासेस का मैनेजिंग डायरेक्टर। गावंडे क्लासेस ये करीब 17 साल से है। हर साल हमारे यहाँ से काफी सारे मेरिट्स आते हैं। इस साल 24 मेरिट है। हमारे यहाँ कक्षा 10वीं 12वीं साइंस, JEE और NEET ये क्लासेस होते हैं। आपकी जो क्लासेस एक रेपुटेड क्लासेस मानी जाती है, देखा गया तो हर साल मेरिट स्टूडेंट्स आती है, लेकिन अभी जो ऑफलाइन में जो अटैचमेंट रहता था स्टूडेंट्स के प्रति आपका, देखा गया कि जो ऑनलाइन जो एजुकेशन चल रहा है इसमें पालक और जो पाल्य है उनके बीच में भी एक संभ्रम है। कुछ ऑनलाइन से कुछ लोगों की स्टडी हो रही है, कुछ लोगों की स्टडी नहीं हो रही है, तो उसमें आपका क्या व्यू है, उस बारे में बताइए। नहीं, ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में जमीन आसमान का फर्क है। ऑनलाइन जो होता है उसमें विद्यार्थी अपने घर में होता है, हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, बीच में एक नेटवर्क का भी इशू होता है। कभी नेटवर्क किसी एरिया में, हमारा बच्चा मान लीजिए किसी आउटर एरिया में है, तो वहाँ नेटवर्क का काफी इशू होता है। ऑनलाइन क्लासेस में हम विद्यार्थियों के साथ जुड़े रहते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में जो वातावरण होता है, हमारा डायरेक्ट अटैचमेंट होता है, हम विद्यार्थियों से जो भी चाहे सवाल पूछ सकते हैं, बच्चा जो चाहे उनसे सवाल पूछ सकता है, तो ऑनलाइन क्लासेस उसको कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन आज की जो परिस्थिति है उसकी डिमांड है, उसकी मांग है कि क्लासेस अभी ऑनलाइन ही लिया जा सकता है, क्योंकि उसके उसके बिना ऐसा होगा, अगर हम ऑनलाइन नहीं लेंगे तो शिक्षण व्यवस्था जो है वो थम जाएंगी, या हम कहेंगे एक साल बच्चे का व्यर्थ हो जाएगा, तो साल ना जाने पाए इस वजह से ऑनलाइन में तो हमको आना ही पड़ेगा। ऐसा कह सकते हैं ये एक परिवर्तन है जीवन का, ये परिवर्तन है जिसको हमको संघर्ष के द्वारा जीतना है, तो इस परिवर्तन के अनुसार हमें ढलना भी पड़ेगा। डार्विन्स ने कहा है सर्वाइवल ऑफ फिटनेस, जो संघर्ष में जो हिट रहेगा, जो फिट रहेगा वही जीतेगा। ठीक है, तो बस ये संघर्ष जारी है जिसमें एक शिक्षक भी संघर्ष कर रहा है, साथ में विद्यार्थी भी संघर्ष कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस में केवल टीचर्स को ही तकलीफ है, बच्चों को भी काफी तकलीफ है, क्योंकि मोबाइल्स के, लैपटॉप्स के जो रेडिएशंस होते हैं लगातार, वो छोटे से स्क्रीन में कंटिन्यूशन में विद्यार्थी देख रहा है, तो उसके आंखों में भी बुरे परिणाम होंगे। ठीक है, इस वजह से क्लासेस जो है हम लोग दो शिफ्ट में ले, एक सुबह में एक शाम में, और कोशिश किया जा रहा है कि कम से कम समय क्लासेस को दिया जाए। सर, लॉकडाउन की अवधि में जब आपका एजुकेशन जब शुरू था उस समय JEE और NEET के एग्जाम्स के लिए जो बच्चों का प्रिपरेशन आपने शुरुआत कर दिया था, और अल्टीमेटली जब ऑनलाइन शुरू हुआ तो आपका पूरा प्रिपरेशन खत्म हो गया था जी। अब जबकि बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार भी रिजल्ट्स बेटर आएगा? ऑब्वियसली जब JEE और NEET, जब ये लॉकडाउन शुरू होने का था उस समय तक लगभग 90% सिलेबस कम्प्लीट हो गया था, 10% बचा हुआ था। जब लॉकडाउन लगा तो उसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ली गई हमारे यहाँ से। अब ऐसा है कि ऑनलाइन JEE NEET की जो क्लासेस हुई है, ठीक है, जो भी हुआ 10% सिलेबस जो हमने ऑनलाइन में पढ़ाया हुआ है, डेफिनेटली वो उतना बेहतर नहीं था जो हमने ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ था। तो इससे विद्यार्थी के रिजल्ट में, उसके मनोस्थिति में काफी सारी चेंजेस है, उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट में इफेक्ट तो आने वाला है। कोरोना का संसर्ग देखते हुए अभी लोगों में और खासतौर पर जो पालक वर्ग में काफी पैनिक है, जिस वजह से देखा जाए कि अभी जैसे गैजेट्स पे उनको पूरा स्टडी करना है, जैसे आप ऑनलाइन में जो कुछ भी उनको सेंड करते हैं, जो पोर्टल के माध्यम से आपने जो उनको प्रिपरेशन करवाते हैं, तो काफी जो स्टूडेंट्स उसका डिसएडवांटेज एडवांटेजेस भी उठाते हैं। कुछ स्टूडेंट का कभी कभी नेट का भी प्रॉब्लम आता, इस तरह से भी इंटरप्शन होता है उनके स्टडी में, तो आगे चल के उनके लिए काफी घातक भी सिद्ध हो सकता है ये सब चीजें। बिल्कुल, अब ये जो गैजेट्स है हम लोग इस्तेमाल तो कर रहे हैं, है ना, गैजेट्स। अब मैं कभी बैठे बैठे सोचता हूँ, चलिए हम तो शहरी इलाके में है, बोर्ड एग्जाम तो सभी के लिए होगा, पूरा ऑल ओवर महाराष्ट्र में होने वाला है। मुझे उन विद्यार्थियों की याद आती है जो रूरल एरिया में रहते हैं, जहाँ ये गैजेट अवेलेबल ही नहीं है, नेटवर्क की तो बात दूर रह गई, ठीक है, या स्मार्टफोन वहां अवेलेबल ही नहीं है, तो बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे और वो बच्चे किस तरह से एग्जाम देंगे, ये विचार मेरे मन में आता है। हम शहरी इलाके में रहते हैं, हमारे पास वो सुविधा है, ठीक है, हमारे पास गैजेट्स भी है, और उन इलाकों के कंपैरिजन में यहाँ पर नेटवर्क भी बेहतर होता है, तो वो विद्यार्थी किस तरह से देंगे मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। वो सोचते से ही मुझे बड़ी चिंता होती है उसकी। ऐसे विद्यार्थी जो MHCET के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो दे रहे हैं, आज देखा जाए तो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी वहां से ये हुआ कि ऑनलाइन और जो अपना बहुआयामी जो क्वेश्चन है
वो पद्धति शुरू करने का उन लोगों ने निर्देश दिया हुआ है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज बेनिफिशियल स्टूडेंट्स के लिए? ये चीजें तो इतने ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, कहेंगे थोड़ा कुछ नया सीखने को मिलेगा विद्यार्थी को। कोई भी अगर प्रैक्टिकल कभी होता है तो उसके कुछ अच्छाई भी होती है, कुछ बुराई भी होती है, तो मुझे इसमें नहीं लगता है कि ज्यादा अच्छा यह है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लॉन्च की गई है, इसमें पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के स्किल पे जो है अपना उसके कौशल्य पर ज्यादा फोकस किया गया है जी। और थोड़ा कट ऑफ भी किया हुआ एजुकेशन जी। तो एक तरह से काफी लोग उसका क्रिटिक्स भी है और काफी लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि बहुत अच्छा केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया हुआ है। अभी ऑनलाइन की स्थिति को देखते हुए, आज की परिस्थिति को देखते हुए, तो आपको ऐसा लगता है कि ये कारगर होगा ये सारा कदम? नई शिक्षा जो प्रणाली कहा जा रहा है कि बेसिकली वहाँ प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा फोकस किया जाएगा ऐसा कहा गया है, तो प्रैक्टिकल पार्ट तो वैसे भी ऑलरेडी सभी शिक्षण संस्थान में बहुत ही लीनियंटली लिया जाता है। सभी को पता होता है इसके मार्क्स तो हमको ऐसे ही मिल जाते हैं, इसमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, और उसी के बल पर वो सोचते हैं कि हम पास हो जाएंगे। ठीक है, और जो नई शिक्षा नीति आई है ये सरकार ने जो ला के रखा है, तो काफी लोग इसमें कंफ्यूज है। कई पेरेंट्स आते हैं हमारे यहाँ, कहते हैं कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड तो बंद हो गई सर, अब तो एग्जाम ही नहीं होने वाली। तो समझ ही नहीं पाए है पेरेंट्स भी और ना ही विद्यार्थी, इसको पूरी तरह से समझने में थोड़ा सा समय लगेगा सभी पेरेंट्स को। ठीक है, कावंडे कोचिंग क्लासेस जो है पर्टिकुलरली आपकी जो क्लासेस काफी रिनाउड और काफी नामांकित है, अदर्स क्लासेस की अपेक्षा आपके क्लासेस में जो आप स्टूडेंट्स को ये देते हैं, फीडबैक देते हैं या उनमें गुणवत्ता का जो विकास करते हैं, तो ऐसी क्या स्पेशलिटी है जिससे आपके क्लासेस की और स्टूडेंट्स का रुझान काफी बड़ा है, उस बारे में बताइए। हमारी जो क्लास है ये जो 17 साल से चल रही है, तो जो विद्यार्थी यहाँ से पढ़कर जाते हैं उन्हीं के द्वारा नए विद्यार्थी आते हैं। यानी सिंपल कहेंगे हमारी क्लास जो है वो माउथ पब्लिसिटी से चलती है। जब तक हम ये प्रोसेस करते रहेंगे, एक अच्छा शिक्षा देते रहेंगे, तो हमारे पास विद्यार्थियों की कभी कमी नहीं रहेंगी, ये ऐसा हमारा मानना है। और हमारे यहाँ ऐसा है कि सब कहते हैं कि शिक्षा का बाजार हो गया है, शिक्षा व्यवसाय हो गया है, तो ये मैं मान्य करता हूँ। आज बाजार वाकई में शिक्षा का बाजार कर दिया गया है, है ना। पैसे के लिए सभी कमाते हैं, हम भी पैसा लेते हैं, पैसा हम भी लेते हैं, लेकिन पैसा लेने के बाद हम ये ध्यान में रखते हैं कि पेरेंट्स का या विद्यार्थी का थोड़ा भी समय उसमें खराब ना हो, पेरेंट्स का एक रुपया भी उसमें वेस्ट नहीं होना चाहिए। हम एडमिशन के समय कहते हैं, बच्चों से भी कहते हैं और पेरेंट्स से भी कहते हैं, आपको पूरा साल भरी का समय दिया गया है, इस साल भर में आप एक भी शिकायत करके दिखाइएगा, ठीक है, एक भी शिकायत का आपको मौका नहीं मिलेगा, और हम ऐसा मौका देते नहीं है। तो जो भी पेरेंट्स है वो हमारे यहाँ से हैप्पी है, इसी वजह से हमारी क्लास चल रही है। हर साल आपके जो क्लासेस है नए कीर्तिमान स्थापित करती है, देखा गया स्टूडेंट्स से हमने काफी फीडबैक लिया, काफी कुछ स्टूडेंट्स का हम लोगों ने इंटरव्यू भी लिया था, उन्होंने आपकी क्लासेस के बारे में बताया कि जो सर के यहाँ जो क्लासेस होती है रिसर्च बेस्ड होती है और फुल प्रैक्टिकल फुल थ्योरी कराया जाता है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल, हमारे यहाँ कई बच्चे कहते हैं, मुझे बाहर से सुनने में आता है कि वो क्लास ऐसी क्लास है कि आप पढ़ना नहीं भी चाहेंगे तो भी वो आपसे पढ़वा के लेंगे और आपका रिजल्ट ला कर देंगे। ऐसा जब विद्यार्थियों का फीडबैक बाहर से आता है तो बड़ी खुशी होती है कि विद्यार्थी कम से कम इतना तो कह रहे हैं। ऑनलाइन अभ्यासक्रम में जो पालकों में और विद्यार्थियों में जो संभ्रम है, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि पालकों को उस संभ्रम से निकलना पड़े? अब ज्यादातर पालक और जो विद्यार्थी है वो इस तरह से कंफ्यूज है कि कहते हैं कि ऑनलाइन में कुछ शायद समझ में नहीं आएगा, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है बट पहले ही उन्होंने व्यू दे दिया है कि ऑनलाइन क्लासेस में कुछ समझ में नहीं आएगा। ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में केवल एक ही फर्क होता है, जैसे ऑफलाइन में हम क्या करते हैं, क्लासरूम में पढ़ाते हैं, अभी भी उसी क्लासरूम में पढ़ा रहे, वही ब्लैक बोर्ड है और शिक्षक भी वही है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि विद्यार्थी ऑफलाइन में क्लासरूम में होता था हमारे सामने, ऑनलाइन में विद्यार्थी जो है अपने घर में बैठा हुआ है। अब इसमें एक तकलीफ हो जाती है, जब क्लास में पढ़ाते हैं, जब ऑफलाइन में क्लास में पढ़ाते हैं तो उस समय एटमोस्फेयर जो होता है वो पूरा फुल्ली एजुकेशन का होता है, वहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। किंतु अभी जब वो विद्यार्थी घर में पढ़ रहा है तो कई घरों में एक सिंगल कमरा होता है, वहां आजू बाजू में शोर शराबा होता है, ठीक है, तो उस बच्चे का ध्यान इधर उधर जाता है और वो पढ़ाई का वातावरण लगभग नहीं होता है। बहुत कम विद्यार्थी है जिनके लिए एक स्टडी रूम होता है सेपरेट, अदरवाइज सब छोटे छोटे घरों में रहने वाले विद्यार्थी हमारे यहाँ के,
तो ये एक तकलीफ है कि पढ़ाई का वातावरण नजर नहीं आता है, तो इस वजह से उनको थोड़ी तकलीफ होती है, बाकी तो कुछ फर्क नहीं है। सर, कुछ पेरेंट्स लोग ठेठ आरोप कोचिंग क्लासेस के संचालकों उन पे कर रहे हैं, क्या आपके नजर में ये आरोप सही है कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन के नाम पे या पोर्टल के नाम पे या सॉफ्टवेयर लोडिंग के नाम पे ज्यादा ज्यादा वो पैसे लगा रहे हैं या पैसे के लिए वो परेशान कर रहे हैं, SMS भेज रहे हैं, ये बात सही है कि ऑफलाइन के अगेंस्ट में? नहीं, देखिए क्लासेस ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इसमें जो शिक्षा व्यवस्था है, जैसे हमारे यहाँ जो टीचर्स है, जो टीचर्स लॉकडाउन के पहले पढ़ा रहे थे वो टीचर्स अभी भी अवेलेबल है, क्योंकि वो टीचर कहीं और नहीं पढ़ाते हैं, कहीं स्कूलों में नहीं पढ़ाते, वो केवल हमारे यहाँ है। तो हम उनको ये नहीं कह सकते कि आप अभी लॉकडाउन है, आप ऑनलाइन क्लासेस हो, आप चले जाइए। तो जो शिक्षक के यानी जो क्लास का जो खर्चा है वो एज इट इज है, ठीक है, वो खर्चे एज इट इज होते हैं, रेंट भी हम दे रहे हैं, सब कुछ वैसा ही है, ठीक है। पेरेंट्स को लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही है तो इसमें चार्जेस बहुत कम लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, तो वाकई में ये सही है, क्योंकि ये पेरेंट्स का कहना भी सही है, क्योंकि ये जो परिस्थिति है आज सभी को इकोनॉमिकली खूब सारा प्रॉब्लम है, बहुत परेशान है पैसों के मामले में, हम भी कहते हैं, तो उसी वजह से सभी क्लास वालों ने जो फीस है वो कम की हुई है। अभी हाल की परिस्थिति बहुत ही विपरीत है, ऐसा नहीं कहेंगे तकलीफ हमारे यहाँ है या हमारे हिंदुस्तान में है, सारी दुनिया इस बीमारी से संक्रमित है, सभी तकलीफ में है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कम से कम घर से बाहर निकले जब बेहद जरूरी है, ठीक है, समय समय पर अपना हाथ आप धोए, सैनिटाइज करें, अपने आप को बचाइए और अपने परिवार को बचाइए, क्योंकि 2020 मैं मानता हूं कि 2020 ये वो साल है, जो व्यक्ति इस साल इस बीमारी से बच जाए वो सबसे बड़ा विजेता है। तो फिलहाल मैं तो यही कहूंगा मैं कि कोरोना से बचना ये हमारा सबसे मेन है। इसके अलावा जैसे पेरेंट्स को लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी तकलीफ हो या कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि किसी के पास पैसा नहीं है तो वो पढ़ नहीं सकता, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत धारणा है कि जिसके पास पैसा नहीं है। मैं ये कहूंगा यदि किसी को इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है तो आप मुझे कंसल्ट कीजिए, मैं आपके बच्चों को फ्री में पढ़ा के दूंगा। हम हर साल वैसे भी कम से कम 10% बच्चों को फ्री में पढ़ा के देते हैं जिनको आवश्यकता होती है। किसी के माता नहीं होते, किसी के पिता नहीं होते, कोई बहुत गरीब परिवार से है और पढ़ने वाला विद्यार्थी है तो उसके लिए गवर्नमेंट क्लासेस हमेशा के लिए आपके लिए हाजिर है। आप चाहे तो आप अपने आजू बाजू में थोड़ा सर्च कीजिए और ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं जो पढ़ना चाहते हैं किंतु पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल इस क्लास में लेकर आइए, मैं प्रॉमिस करता हूं हम उनको बिल्कुल फ्री में पढ़ा के देंगे।